आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल थिंक डिफरेंट बाय सिवम में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। हम आज सीखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के IUPAC नाम, जो कि हमने लिए हैं क्लास 12th की NCERT बुक से, जो कि है आपके पार्ट सेकेंड के अंदर, जो पेज नंबर 390 पे दिए गए हैं। तो हम बात करते हैं कि इनके पहले सबसे पहले सिंपल नेम की बात करते हैं, जो आपका होता है। सबसे पहले हम बात करें CHCOH, जो हम ले रहे हो कहाँ से, क्लास 12 से NCERT पेज नंबर 390 पार्ट 2 IUPAC ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें एक कीटो ग्रुप होता है और दूसरा क्या होता है, एक एल्कोहल ग्रुप होता है। तो इसका आपको सिंपल नेम की बात करें, IUPAC की बताएंगे अभी। तो सिंपल नेम में क्या होगा कि जो आपका HCOH है उसका नाम फॉर्मिक एसिड है। क्या नाम है उसका? फॉर्मिक एसिड। क्यों? क्योंकि वो आपका मिला था फॉर्मिका से। अब जो ये वर्ड है फॉर्मिका, ये आपका लैटिन भाषा के अंदर, लैटिन के अंदर ये क्या होता है, लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है लाल चींटियों से। तो ये लाल चींटियों से मिला था, इसलिए इसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं CH3COH, जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये एसिटम मतलब एसिटा, मतलब एसिटिक एसिड जो है वो एसिटम से मिला था। और एसिटम क्या है, ये भी लैटिन वर्ड का, लैटिन वर्ड है। तो लैटिन वर्ड के अंदर इसका मतलब क्या होता है, सिरके से। ऐसे ही आपका होता है ब्यूटेरिक एसिड। तो ब्यूटेरिक एसिड में आपका क्या होगा कि जो ब्यूटेरिक एसिड में चार कार्बन है, सिंपल, मतलब ब्यूटेरिक एसिड भी आपका कहाँ से मिला था, ये मिला था ब्यूटीरम से। ब्यूटीरम का मतलब क्या होता है, ब्यूटीरम का मतलब होता है कि जो मक्खन, जो बटर आपका ख़राब हो जाता है, जिसमें रेंसिडिटी टाइप हो जाती है, तो उसे बोलते हैं आप ब्यूटीरम। तो ये उस मक्खन से मिला था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्यूटीरम। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या, कि आपका जो HCOH है, जिसे हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिका से मिला था, उसका मतलब क्या होता है, लैटिन भाषा के अंदर आपका लाल चींटियों से। दूसरा जो एसिटिक एसिड है वो एसिटम से मिला था, जैसे हम कहीं एसिटा भी लिखते हैं, तो वो आपका क्या होता है, एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि वो आपका एसिटा मतलब सिरके से मिला था। नेक्स्ट ब्यूटीरम, ब्यूटीरम जो आपका ब्यूटेरिक एसिड है, उसे हम ब्यूटीरम से मिला था वो, तो उसका नाम जो आया वो ब्यूटीरम से आया, क्योंकि ब्यूटीरम का मतलब होता है विकृत गंधी आपका मक्खन, मतलब जो मक्खन, जो आपका बटर है वो जो ख़राब हो जाता है, उस पर रेंसिडिटी जम जाती है, उस चीज़ को, रेंसिडिटी वाले मक्खन को आप वहाँ से वो मिलता था, इसलिए उसे ब्यूटेरिक एसिड बोलते हैं। अब बात करते हैं इनके IUPAC की। तो इनके IUPAC में आपको करना क्या है कि जो आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होगा, उसका ई को हटा के उसकी जगह ओइक एसिड को जोड़ना है। क्या करना है, जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होगा, उसकी ई को हटा के ओइक एसिड उसमें ऐड कर देना है। जैसे हमने आपका एल्डिहाइड के अंदर बताया था कि अगर आपको एक चैन ऐसी आ गई जिसमें आप सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप को काउंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, इसे अलग से लास्ट में सफिक्स के अकॉर्डिंग लिखोगे कार्बन, आप कार्बोक्सिलिक एसिड। CHO को हमने लिखा था कार्बोल्डिहाइड, इसको लिखेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कहीं ऐसे केस होते हैं। वो हमने एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, तो बात करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा HCOH, इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है तो METHAN सिंगल बॉन्ड होता है, और उसके बाद इसमें क्या कर दोगे आप, जोड़ दोगे ओइक एसिड, क्या कर दे, मेथेनोइक एसिड। इसमें दो कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, दो कार्बन की वजह से ETHAN सिंगल बॉन्ड है, और उसके बाद भी इसमें क्या जोड़ दिया, ओइक एसिड। इसका नाम सिंपल नेम फॉर्मिक एसिड, इसका नाम एसिटिक एसिड। उसके बाद CH3CH2COH, तीन कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद COH की वजह से क्या जोड़ देंगे इसमें, ओइक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर से नंबर देंगे, जिधर से आपका COH नज़दीक हो, 3, 4, चार कार्बन है, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटीरियम से मिला था, खराब मक्खन को बोलते हैं, जब खराब मक्खन से मिला था ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चार कार्बन की वजह से ब्यूट एन। ब्यूट क्यों आया, क्योंकि चार कार्बन है। एन क्यों आ रहा है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और उसके बाद क्या जोड़ दोगे इसमें आप, ओइक एसिड। ऐसी नेक्स्ट बात करते हैं, ये CH3 का होल टू वाइज CHCOH, तो इसे आप जब ओपन करके देखोगे तो क्या मिलेगा इसमें, कि दो CH3 ग्रुप जो हैं आपके वो किसी एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, और उससे आपका COH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो नाम 1, 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा, एक साइड चेन बन जाएगी इस पर, 2 पे, तो 2 एक कार्बन की साइड चेन है तो उसे बोल लेंगे मिथाइल, मिथाइल 2-मिथाइल, तीन कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो C डबल बॉन्ड हो, कीटो ग्रुप होता है वो आपका इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH को बोलते हैं। तो जो हम AN9 लगाते हैं वो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 2-मिथाइल प्रोपेन नोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड क्या हो गया, 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, आपका ऑक्सैलिक एसिड भी है जो कि आप लैब में यूज करते हैं, तो सिंपल नाम इसका ऑक्सैलिक एसिड, लेकिन दो कार्बन है तो इस वजह से आप क्या बोल दोगे इसे, इथेनोइक एसिड। कहाँ पे है, 1, 2 पे है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, 2 डाई
इथेनोइक एसिड भी हम इसे लिख सकते हैं। तो दोबारा हम बात कर रहे हैं कि जो हम IUPAC लिखते हैं किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो कैसे लिखते हैं, उसमें से एल्केन एल्कीन एल्काइन में से ई हटा देते हैं, वहाँ पे क्या लगा देते हैं, ओइक एसिड। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, IUPAC की। तो सब हमने एक बात कर ली थी कार्बो आपका ऑक्जेलिक एसिड की। ऑक्जेलिक एसिड में क्या आपका दो कार्बन है, तो इथेन, क्योंकि दो कार्बन है पहले और दूसरे पे, दो आपके क्या लगे हैं, ओइक एसिड, तो इसलिए डाई ओइक एसिड, क्योंकि इसमें नंबर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो ही कार्बन है तो 1-2 देने की जरूरत नहीं है। ऐसे इसमें है आपका क्या हो जाएगा, तीन कार्बन है तो प्रोपेन 1-2-3, कहाँ पे है, पहला कार्बन यहाँ से नंबर दिया 1-2-3, तो प्रोपेन 1-3-डाई ओइक एसिड। उसके बाद नाम की बात करते हैं इसकी, तो 1-2-3-4, चार कार्बन है तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन 1-4-ब्यूटेन 1-4-डाई ओइक एसिड। कैसे नाम दे रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सी का नंबर देना है स्टार्टिंग से, और यहाँ पे CH2 दो थे तो यहाँ पे दो नंबर दिए 1-2-3-4। उसके साथ ही आपका क्या हो गया, ब्यूटेन मतलब चार कार्बन 1-4-डाई ओइक एसिड। ऐसे इसमें कितने हैं, 3-2-5, 1-2-3-4-5। तो इसका नाम पाँच की वजह से क्या हो जाएगा, PENT पेंट, पाँच कार्बन के लिए पेंट, एन सिंगल बॉन्ड के लिए। उसके बाद वन और कहाँ पे, फाइव पे क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड, तो डाई ओइक एसिड। क्या नाम हो गया, पेंटेन 1-5-डाई ओइक एसिड। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं 1-2-3-4-5-6। ये अगर आपको याद हो तो ये आपका पॉलीमर के अंदर नाइलोन 6-6 जिसका मोनोमर होता है हेक्सामेथिलीन डाईओइक एसिड, हेक्सामेथिलीन डाईअमीन एंड एडिपिक एसिड, ये आपका सॉरी माफ करना नाइलोन 6-6 के जो मोनोमर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है नाइलोन 6-6 पॉलीमर पे भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली जल्दी आने वाली है। तो ये आपका उसी का ही क्या है, एक मोनोमर है, कौन से का, नाइलोन 6-6 का, जिसमें एक होता है आपका एडिपिक एसिड और दूसरा क्या होता है इसमें नाइलोन, उसमें क्या नाम आपका, हेक्सामेथिलीन डाईअमीन एंड एडिपिक एसिड। तो ये आपका एडिपिक एमल है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, 4 CH2 के ग्रुप होते हैं। तो इसका अगर आप नाम दोगे तो 6 कार्बन की वजह से क्या हो जाएगा, हैक्स सिंगल बॉन्ड है तो एन एंड 1 और 4 पे 2 एक जैसे ही है तो 2-डाई ओइक एसिड आपके जुड़े हैं, ओइक एसिड। इसकी बात करते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाएं, एक रेड कलर का बटन दिखाई देगा जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे प्रेस करें, साथ ही उसके बराबर में क्या आएगी, एक बेल आइकन आएगी उसे भी प्रेस करें, जिससे हमारी जो वीडियो है वो आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, इसमें 3 COOH ग्रुप आ गई, जैसे हमने पिछले वाली CHO की थी तो उसमें भी ऐसे 3 CHO आ गए, तो वहाँ पे हम कार्बोल्डिहाइड का यूज करते हैं, यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे। कि अगर आप 3 के 3 जो COOH ग्रुप हैं हम क्या नहीं कर सकते, उसे मेन चैन के अंदर नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं, तीसरा छूट जाएगा। तो इसमें क्या है, तीनों को छोड़ दो और मेन जो बीच में कार्बन उन्हें काउंट करो 1-2-3। तो यहाँ पे 3 कार्बन यूज क्या हो जाएगा, प्रोप, उसके बाद सिंगल बॉन्ड तो एन, 1-2-3 क्योंकि नंबर आएगा 1-2-3 पे आपका, तो उसके बाद 3 के 3 सेम है तो ट्राई, और उसके बाद इसका नाम दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही यहाँ पे है, इसका नाम आप क्या कर सकते हैं, इसका नाम आप दे सकते हैं बेंजोइक एसिड भी, इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड, या आप क्या नाम देख सकते हो इसका, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसका नाम आप दे सकते हैं। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, 1 और 2, तो 2 पे क्या लगा आपका, 2 पे लगा हुआ आपका फिनाइल, 2-फिनाइल और 2 कार्बन है इथेनोइक एसिड, ई को छोटा कर सकते हैं। तो आज हमने क्या बात की, हमने की बात IUPAC की। अब एक लास्ट आपका एग्जांपल आ रहा है जिसे हम थैलिक एसिड भी बोलते हैं सिंपल नेम में, इस थैलिक एसिड की बात करते हैं, ये आपका, तो यहाँ पे नंबर दोगे आप 1-2-3-4-5-6, तो ये क्या है, बेंजीन। दोबारा से हम वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी COOH को आप क्या नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते, तो बेंजीन, उसके बाद क्या लिखेंगे, 1-2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे मैंने बात की क्या, बेंजीन 1-2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोबारा से बात करते हैं, हमने आज बात की कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम की।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे क्या वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।